न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त देश की बात का हो गया है। मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कुल 39 नाम है। इस लिस्ट में खास बात यह है कि इसमें आधा दर्जन सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल है। इसके साथ ही अब तक दो लिस्ट निकल चुकी है। ना तो अब तक सीएम शिवराज का नाम शामिल है, ना ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी एमपी में गुजरात वाले प्लान पर काम कर सकती है, जिसका सीधा मतलब है कि शिवराज सिंह चौहान की पूरी कैबिनेट का टिकट कट सकता है। इसके साथ ही एमपी और राजस्थान में बीजेपी आधा सांसद और आधे केंद्रीय मंत्रियों को भी उतार रही है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब तक टिकट न मिलने को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने सरपंच पद के लिए भी कुछ लोगों को रिजर्व रखा है। श्रीमंत से श्री अंत तक पार्टी के बड़े और कद्दावर नेताओं को भी टिकट देने पर कांग्रेस ने एक अन्य पोस्ट में कहा, हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था। बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। कांग्रेस बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राकेश मिश्र के इस्तीफे को शेयर करते हुए कहा कि दूसरी सूची आते ही इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी डर चुकी है, इसलिए सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में बीजेपी डर गई है? क्या बीजेपी सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर विधानसभा चुनावों को लड़ना चाहती है? क्या पीएम मोदी को शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा नहीं रहा? क्या सिंधिया को बीजेपी ने साइड कर दिया है? ऐसे सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही सम्मानित पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन इस लिस्ट में अपना नाम देखकर खुद कैलाश विजयवर्गीय ने हैरानी जताई। उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी ने मुझे इसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कहना था कैलाश विजयवर्गीय का, आइए सुनाते हैं आपको। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था, पर आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा करूं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो लगातार केंद्रीय मंत्री सांसद बने हुए थे, उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, और इस भय से वो बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं। क्या कहना है उनका, वो भी सुनिए। सबसे पहली बात ये है कि जो लगातार केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, सांसद बने हुए थे, उनको यदि विधानसभा में उतारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, और इस वजह से वैसे अपने बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं। लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बयान देते हुए कहा है कि सांसद अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर वो सोचते हैं कि चुनाव को हम गंभीरता से ना ले तो यह उनकी रणनीति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किस बात पर जीतेंगे। मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो सांसद के लोग अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो ये तो हम उसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर ये वो सोचते हैं कि चुनाव को हम गंभीरता से ना लें तो ये उनकी स्ट्रेटजी होगी। और सबसे बड़ी बात, किस बात पे जीतेंगे ये लोग जो गठबंधन बना रहे हैं, उस गठबंधन में कहते हैं हम सनातन धर्म को समाप्त करेंगे, तो कौन सनातन धर्म को? अब तो ये लड़ाई ऐसी है कि भाई सुशासन में तो कहीं भी ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से आगे नहीं है, लेकिन जो समाज में जो सुरक्षा की भावना और सनातन नष्ट करने के लिए अगर आप आगे चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी राज्य में ये लोग रह पाएंगे। 75 प्लस की बात। कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये घबराहट का प्रमाण है। वो प्रयोग जो गुजरात में हुए थे, सभी के टिकट काट दिए गए, वो प्रयोग यहाँ भी हो सकते हैं। क्या कहना है दिग्विजय सिंह का, सुनिए। ये घबराहट का प्रमाण है, सूचक है।
मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित जी घबराए हुए हैं। और मैंने आज मुझे कुछ लोगों ने फोन किया कि वो प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहां भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कर सकते हैं भाजपा के। तो एमपी में चुनाव होना है, सियासी घमासान तेज है क्योंकि बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 39 नाम है लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो अगला नाम होता है शिवराज सिंह के बाद वो नाम आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्योंकि जब वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे तो उन्हें बड़ा पद दिया गया था और उम्मीद जताई जा रही थी कि कड़ी टक्कर अगर कभी हो सकती है तो उनकी जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया ले सकते हैं क्योंकि वहां पर वो अपना एक कोर वोट बैंक बनाते हैं, लेकिन उनका भी नाम शामिल नहीं है। आइए ग्राफिक के जरिए समझाते हैं आपको कि जो लिस्ट जारी हुई है लिस्ट में किन किन के नाम शामिल है और कैसे कैसे शामिल है। तो एमपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट के दिग्गज कौन कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय महासचिव हैं बीजेपी के, प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, फगन सिंह कुलस्ते ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, राकेश सिंह सांसद हैं जबलपुर से और गणेश सिंह सांसद है सतना से। रीति पाठक सांसद है सीधी से। उदय प्रताप सिंह सांसद है होशंगाबाद से। ये वो नाम है जो दूसरी लिस्ट में शामिल है, यानी कि बड़े चेहरे। अब राजस्थान में क्या ये भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ओम बिरला लोकसभा स्पीकर सांसद कोटा, क्योंकि जिस तरह के हालात एमपी में बन रहे हैं तो राजस्थान में भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सांसद भी हैं जोधपुर से, कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं सांसद भी हैं बाड़मेर से, राज्यवर्धन सिंह राठौर पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अभी जोधपुर ग्रामीण से, किरोड़ी लाल मीना राज्यसभा सांसद हैं, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती सांसद हैं सीकर से। तो एमपी का जिक्र मैंने किया था, लिस्ट में दिग्गज कौन कौन थे वो मैंने बताए हैं और ये बड़े चेहरे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में दिग्गजों के नाम भी मैं आपको बता रही हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, फगन सिंह कुलस्ते हैं, राकेश सिंह हैं, गणेश सिंह हैं, रीति पाठक हैं, उदय प्रताप सिंह हैं और ये दिग्गज नाम है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नाम कहीं नहीं है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे? क्या गुजरात जैसी प्लानिंग है? बहुत सारे सवाल हैं मन में लोगों के चल रहे हैं लेकिन साफ तस्वीर कुछ नहीं हो पा रही है। तस्वीरें कैसे साफ होंगी ये बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। क्या पूरी कैबिनेट ही चेंज हो जाएगी या कुछ और बदलाव होंगे या कुछ और प्लान है बीजेपी के पास? तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, क्योंकि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई देती है मध्य प्रदेश में। ऐसे में बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन घमासान कहां मचा हुआ है? घमासान मचा हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम लिस्ट में नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी लिस्ट में नहीं है। अब क्या पूरी कैबिनेट बदलने वाली है? क्या किसी और को मौका मिलेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, कुमदेश गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, रमाकांत पटेल जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, कुछ देर में कांग्रेस भी मेरे साथ जुड़ेगी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुमदेश गुप्ता जी, मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, तमाम तैयारियां बीजेपी ने कर ली है, दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े चेहरे सब लिस्ट में शामिल हैं,
विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं है। क्या गुजरात की प्लानिंग के हिसाब से एमपी में चुनाव लड़ा जा रहा है या कोई और वजह है या कुछ सरप्राइज है हमारे लिए? राजेंद्र जी, आपने कई क्वेश्चन पूछे हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं। तो पहली बात तो ये कि सरप्राइज होगा तो वो समय से ही पता चलेगा। दूसरी बात, गुजरात वाले प्रयोग की है तो उसमें बुराई क्या है? आप देखिए कि अगर गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर वहां चुनाव लड़ा तो उसका आप नतीजा देखिए ना कि अभी भारतीय राजनीति में एक राज्य ने जो वहां पर चुनाव परिणाम आए वो ऐतिहासिक नतीजे थे। तो क्या इतिहास दोहराने जा रहा है मध्य प्रदेश? आपका तो ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि गुजरात के साथ में मध्य प्रदेश क्या इतिहास दोहराएगा, एक बार। दूसरी बात, हमारे शीर्ष नेतृत्व अगर जमीन पर आके चुनाव लड़ते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अहंकार में नहीं है, वो मैदान छोड़ के नहीं भागता, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी जनता के साथ, अपने वोटर के साथ और अपने काम के प्रति समर्पित रहता है। तो इसीलिए ये फर्क है उस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जहां कांग्रेस के लीडर चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वो पता चल रहा है कि एक राज्य में चुनाव है तो वो दूसरे राज्य में भी नहीं मिलेंगे, वो विदेश में मिलेंगे और वो विदेश में बैठकर अपनी रणनीति बनाते हैं। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का। और अभी शायद प्रवक्ता आए नहीं है कांग्रेस वाले साथी हमारे, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले मेरे साथी बैठे हुए हैं, रमाकांत भाई साहब, तो वो बताएंगे कि अब वो अपनी स्थिति क्या रखते हैं, क्या अभी वो गठबंधन में मैंने ठीक है, आपने सारी बातों का जवाब दिया, लेकिन मेरा मेन पॉइंट ये था कि शिवराज सिंह चौहान साहब का नाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? बता, क्या छिपाया हुआ है या उनके लिए कोई और जगह है, क्या है ऐसा? नहीं नहीं, कोई जगह नहीं है, मध्य प्रदेश से ही चुनाव लड़ेंगे और वहीं से चुनाव लड़ेंगे। आप प्रतीक्षा करें, चुनाव डिक्लेयर होने से पहले दोनों जनों के नाम उजागर कर दिए जाएंगे। उसमें आपका क्वेश्चन या फिर विपक्षी पार्टी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, अभी समय निकला नहीं है। मैं परेशान नहीं हो रही हूं, मैं उसे जानने की कोशिश कर रही हूं कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या वो जो मोदी मैजिक है, जैसे गुजरात में हमने देखा कि नाम क्लियर नहीं हुआ था लेकिन बाद में हमने देखा कि चीजें क्लियर हुई, उसका असर भी दिखा। नहीं, ये निश्चित ही शिवराज सिंह जी ने काम किया है, उनका काम का आधार है, लेकिन मोदी जी अगर पूरे देश को और सेंटर के आधार पर अगर मध्य प्रदेश में काम किए जा रहे हैं तो निश्चित ही मोदी जी भी सामने हैं। लेकिन विधानसभा चुनावों में लोकसभा के आधार पर या केंद्र के आधार पर क्यों हमें ऐसे सांसद चुनने पड़ रहे हैं? क्या वहां काम नहीं हुआ है या अपने ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं है, कुछ ऐसा है? मैंने अभी कल वही बात तो बताई कि गुजरात में जो बात थी यही क्वेश्चन तो गुजरात में उठाए जा रहे थे कि बीजेपी वहां से बिल्कुल साफ है और वहां पे तो हमारे बहुत सक्रिय हो गए, आम आदमी पार्टी ने भी अपने पैर जमाने का प्रयास किया था और उनका तो पूरी तरीके से ये अस्वस्थ है कि भाई बीजेपी पूरी उखड़ गई और खत्म हो गई, लेकिन नतीजे तो कुछ और ही निकले। अब जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है तो वो तो मैं आपको यहां उजागर नहीं कर पाऊंगा ना। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल उत्तर दे रहा हूं कि निश्चित ही समय से पूर्व आपको दोनों हमारे नेताओं के नाम तय कर दिए जाएंगे और अनाउंसमेंट होंगे। ठीक है, रमाकांत पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। रमाकांत जी, ये जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में,
विपक्ष जो ये कह रहा है कि गठबंधन से सरकार डर गई है, इसलिए बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हों चाहे सांसद हों, बड़े चेहरे वो विधानसभा चुनाव के लिए उठाए जा रहे हैं, उनके लिस्ट में नाम शामिल किए जा रहे हैं। क्या वाकई ये डर है या फिर बीजेपी की कोई और प्लानिंग है? क्योंकि बीजेपी जैसा गुजरात में कर रही थी वही अब छत्तीसगढ़ में करेगी, वही मध्य प्रदेश में करेगी, वैसा ही कुछ राजस्थान में होगा। जी काजल जी, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं आपको कि गठबंधन 2023 के चुनाव के लिए नहीं है। तो गठबंधन से बीजेपी डर गई है मैं ये नहीं मानता हूं। हाँ, अब मैं आता हूं आपके असली मुद्दे पे कि जो बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है, तो ये नेताओं को जिनको मैदान में इन्होंने उतारा है, भारतीय जनता पार्टी सचमुच में 20 साल में कोई काम नहीं की है, सिर्फ प्रचार की है। और भारतीय जनता पार्टी सचमुच में बहुत ज्यादा डरी हुई है। गठबंधन तो 2023 के लिए है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी दरअसल मध्य प्रदेश की जनता से डरी हुई है। आप किसी की जन आशीर्वाद यात्रा में इनका कितना विरोध होता है, जगह जगह लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोई बेरोजगार अपनी बात कर रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोई किसान अपनी बात करना चाहता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल मध्य प्रदेश की जनता से डर गई है। अब क्या किया जाए? बोले कि जहां पे विधायक हमारा 2 करोड़ खर्च करता, अब सांसद को लेकर आओ 10-20 करोड़ में चुनाव लड़ेगा, जनता को खरीद लेगा। और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, जहां तक मैं समझता हूँ, दूसरा मैं तो बीजेपी प्रवक्ता जी को बोल रहा था, गुप्ता जी को, इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में भी प्रयोग करने गई थी, खूब दावे कर रही थी। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का गठन मध्य प्रदेश के देश के अंदर 1925 में आरएसएस बना था, और राष्ट्रीय पटल पे आते 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 भारतीय जनता पार्टी को 45 साल लग गए थे। आम आदमी पार्टी 10 साल की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी हो गई। गुजरात में हमने 14% वोट पाया है, मतलब अगर 100 लोगों ने वोट दिया है तो 14 लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। पहली बार के चुनाव में ये बड़ी उपलब्धि है काजल जी। मैं आप दिल्ली की बात करते हैं, आप पंजाब की बात करते हैं, यही मुद्दे लेकर, यही पॉइंट्स लेकर आप दूसरे राज्यों में भी उतरे थे, चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो गुजरात हो, वहां की जनता ने क्यों आपको नकार दिया? इसके पीछे भी तो कोई वजह होगी ना। हाँ काजल जी, काजल जी देखिए, मैं ये साउंड डबल डबल आ रहा है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आपने कहा कि आप अलग राज्यों की बात करते हैं, मैं फिर बताऊं कि आम आदमी पार्टी तो अभी मात्र 10 साल की पार्टी है। 10 साल के अंदर आप बताइए देश की कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हुई? कोई पार्टी नहीं हुई है। देश की कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हुई है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल के भीतर दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। गोवा में हमारे विधायक हैं, 2 विधायक हैं। गुजरात की 14% मेयर के साथ में 5 विधायक हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार नगर निगम को चुनाव लड़े, हमारे पास 16 नगर निगम में से 1 नगर निगम से हमारा महापौर है, 52 से ज्यादा पार्षद है, सैकड़ों जिला पंचायत जनपद और सरपंच है। तो आम आदमी पार्टी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और यकीन माने कि मध्य प्रदेश में इस बार होने वाले चुनाव से आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। मैं आपको 15 सेकंड में और बता दूं कैसे घबराई हुई है। देखिए, अभी पंजाब के चुनाव में माननीय मोदी जी क्या कह रहे थे कि मुफ्त की रेवड़ी से देश बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत सारे देशों को जानता हूँ जो मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, महिलाओं के लिए जिस योजना का विरोध करती थी उसको भर भर के ला रही है। आज इनकी मजबूरी हो गई है कि आम आदमी पार्टी की नकल करें, लेकिन जनता के पास में विकल्प असली का है। आज ये स्कूल अस्पताल की बात करने लग गए हैं, ये महिलाओं को देने वाली सम्मान राशि की बात करने लग गए हैं, आज ये रोजगार की बात करने लग गए हैं। पहले इनके नेता दूर से हाथ खिलाकर के चले जाते थे ऐसे करके और ये जीत जाते थे, आज इनकी मजबूरी हो गई है कि जनता की बात करें। तो ये आम आदमी पार्टी ने करके दिखलाया, राजनीति बदलने का काम करके दिखलाया है। और भारतीय जनता पार्टी का डर आम आदमी पार्टी से ही है। दूसरा, अभी बीजेपी प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि पहली बार के चुनाव में गुजरात में आपने पैर जमाने का कोशिश किया। दूसरा, गुजरात के प्रयोग में बुराई क्या है, मतलब देखिए मैं बताऊं, अभी इन्होंने माना कि मध्य प्रदेश से मामा मामा के साथ वही होने वाला है
गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी ने किया था। मतलब ये तो बीजेपी मान रही है, अंदर खाने आज इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मामा को अब सीएम का चेहरा नहीं रखेंगे, सीएम नहीं बनाएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पे पहली दूसरी लिस्ट में तीन तीन चार चार मुख्यमंत्री का लालच देकर के चार लोगों को उतारा गया है। और ऐसा ना हो कि जैसा पंजाब में हुआ था, चार चार मुख्यमंत्री हार गए थे, यहाँ चार चार गुजरात में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, आपका वोटिंग परसेंट मिला आपको, लेकिन जिस तरह की उम्मीद आपने जताई थी वो उम्मीद आपको नहीं मिली, कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रतन जी, एमपी में कैसी तैयारी है? सबसे पहले काजोल जी आपका नमस्कार करता हूं। देखिए काजोल जी, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 50% कमीशन की वकालत कर रहे हैं। जिस प्रकार हमने 40% कमीशन का मुद्दा कर्नाटक में उठाया था और जमीनी हकीकत को समझा था और जनता के मुद्दों पे हमने चुनाव मैदान में उतरे थे, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हम उतरे हैं। और भाजपा की यही घबराहट है कि 7 लोकसभा के सांसद, 3 केंद्र के मंत्री और कई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को मैदान में उतार दिया है। आप देखिए ना कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मैदान में है, तो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में यह डर है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी के नाम के खिलाफ माहौल बना हुआ है, उनकी जनसंवाद यात्रा निकली, कहीं स्ट्रैटेजी तो नहीं है, इसी स्ट्रैटेजी में कांग्रेस का ही फर्स्ट तो नहीं रही है? रतन तिवारी जी, कुछ ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं काजोल जी, बिल्कुल नहीं। यह डर है, भय है। अभी आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान में भी बैठा था, वहां पे कम से कम 8 से 10 लोकसभा सांसदों को टिकट दे रहे हैं बीजेपी वाले। ये पूरी तरीके से डरे हुए हैं कि बड़े बड़े चेहरे को उतारा जाए, नहीं तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी 150 से ज्यादा सीट जीतने का दम धर रही है और हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देखना, मध्य प्रदेश में हम अपनी सरकार प्रचंड बहुमत से बनाने जा रहे हैं। ठीक है, किसके साथ? दिग्विजय सिंह के साथ? अपने दम पे बनाएंगे, अपने दम पे बनाने जा रहे हैं। चेहरा कौन होगा सर? चेहरे की तो बात हर जगह हो रही है। कमलनाथ जी हमारे पास चेहरा है, हमने तो चेहरा दे दिया है, कमलनाथ जी हमारे चेहरा है। फिर से उसी चेहरे पर दाव लगाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। रमाकांत जी, लूंगी आपका कमेंट, वही हमारे चेहरा है, आपका कमेंट लूंगी। लेकिन उससे पहले कुमदेश गुप्ता जी, कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस भी जिक्र कर रही है और लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। सबसे ज्यादा फोकस किया गया तो कैलाश विजयवर्गीय पर किया गया। उन्होंने कहा भी कि हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना ज्यादा नाम कैसे सामने आया है, हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते लेकिन पार्टी ने निर्देश दिया है तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर लगातार बस बना रहता है कि हाँ उन्होंने काम करवाया है, एमपी में बहुत कुछ करवाया, तो उनको बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों बॉयकॉट किया जा रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आप बीजेपी में आए और एक बड़ा पद मिला और देखा तो एमपी में बड़ा चेहरा है, एक अच्छा वोट बैंक रखते हैं, क्यों इनका बॉयकॉट किया जा रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? और कैलाश विजयवर्गीय को आगे रखा जा रहा है, यानी कि भरोसा नहीं रहा कि शिवराज सिंह चौहान पर? किसी को बॉयकॉट नहीं किया जा रहा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अपने कार्यकर्ता पे, अपने नेताओं पर अपने भरोसों के साथ, संकल्प के साथ उतर रही है। और समय से पूर्व आपको इन दोनों हमारे जो नेताओं के नाम उजागर कर दिए जाएंगे। अब आप ये देखिए कि आज इनके पास जो हमारे प्रमुखता से विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो उनके पास अपनी स्थिति बताने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अब हमारे ही उस पर किंतु परंतु देख रहे हैं। लेकिन हम तो परिणाम देखते आए ना, अभी बताया है कि गुजरात के अंदर अगर हमने जो प्रयोग करा तो वो सफल हुआ हमारा प्रयोग। आप दूसरी चीज, रमाकांत जी हमारे आम आदमी पार्टी बंधु पर बैठे हुए हैं, अब वो कार्य बता रहे थे कि भाई 10 साल के अंदर कोई भी पार्टी जो है
वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी, बिल्कुल उचित कहा। गुमदेश जी इस पर बाद में और... इस पर बाद में जाएंगे, पहले हम इसी पर रह लेते हैं, इसी टॉपिक पर रह लेते हैं। बात यहाँ कैलाश विजयवर्गीय की हो रही है, मुझे बताइए कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते लेकिन दिशा निर्देश है तो हम चुनाव लड़ेंगे, इसको क्या समझूं मैं? गलत है जी। नहीं, कैलाश जी ने ये नहीं कहा मैं लड़ना नहीं चाहता, वो ये कह रहे थे कि मैं उनका स्टेटमेंट है। मैं दोबारा से बाइट सुनाऊं क्या आपको? उनका स्टेटमेंट है, दोबारा से बाइट सुनाऊं? तिवारी जी क्या मैं अपनी बात, क्या तिवारी जी मैं अपनी बात ही नहीं रख सकता क्या? नहीं, अपनी बात रखिए कुमदेश जी, बात रखने के लिए आपको बुलाया ना चर्चा में। कुमदेश जी एक और बात, तिवारी जी वापस लौटूंगी आपके पास। तिवारी जी आप अपनी बात कह लेना। कुमदेश जी, चलिए ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश की, आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है तो प्लीज। ठीक है सर, मैं ठीक कराती हूँ उसे, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करे। कुमदेश एक मिनट, ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश की, अब जरा राजस्थान पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी अलग थलग सी नजर आ रही है, वो मेल मिलाप दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है सर? आपस में नहीं बन रही नहीं, है या कुछ और वजह है? नहीं, कोई वजह नहीं है भाई। आप अगर मध्य प्रदेश में आप देखिए कि जैसे ही लिस्ट उजागर होती है तब आप ये कहते हैं कि आपने बड़े नेताओं को क्यों उतार दिया। आप राजस्थान में आप ये कह रहे हैं कि अभी तक आपने लिस्ट क्यों नहीं उजागर करी। अरे भाई, चुनाव की स्थिति तो आने दीजिए, चुनाव डेट तो घोषणा होने दीजिए। अगर समय से पूर्व जो है राजस्थान के अंदर भी अब वहां की जनता जो है वो अपना मन बना चुकी है और वहां पर परिवर्तन होना है सरकार का, ये निश्चित है। क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं आप? तिवारी जी फिर वही वाली बात, तिवारी जी आऊंगा वापस आऊंगा। हां आवाज तो मैडम ठीक से आ नहीं रही, क्या बोलूं? कुमदेश जी बात पूरी करिए अपनी। जी बोलना पड़ेगा, मैं ये कह रहा था। अरे मेरे तिवारी भैया, देखिए आप समझिए, साउंड भी ठीक नहीं है, ऊपर से अगर तिवारी जी बीच में जो बोलेंगे तो मुझे लग रहा है किसी को भी बात नहीं समझ में आएगी। लगातार भाई साहब मैं उचित कह रहा हूँ ना, आवाज तो शायद इको इतना हो रहा है कि ठीक से समझ में नहीं आएगी। ठीक है कुमदेश जी अपनी बात पूरी करिए जी। तो मैं कह रहा था वसुंधरा राजे जी को प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो और शीर्ष नेतृत्व के बड़ी लीडर हैं और समय से वो अपने कार्य में निरंतर कार्य कर रही हैं और जनता जो है आप ये देखिए कि राजस्थान के अंदर हाँ। पूरा मन बना चुकी है कि परिवर्तन होना तय है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है आप देखिए कि गहलोत जी का तरीका। आप गहलोत जी किसी एक जाति वर्ग विशेष के लिए ही सिर्फ एक काम करें आप देखिए। दूसरी बात, उनके जो चुनाव में आप वो सचिन पायलट जी को चेहरा बनाकर, युवाओं को चेहरा बनाकर वो चुनाव में आते हैं और चुनाव जीतने के बाद में उन्हें दरकिनार कर देते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में उनकी विधायक महिला खुद कैमरे पर आकर ये कहती हैं कि मेरे साथ ये दुराचार हो रहा है, ये यहाँ पर इस तरीके का मेरे को परेशान किया जा रहा है कि मतलब आप समझिए ऐसे ऐसे उन्होंने तो एलिगेशन लगाए हैं। अंदर खाने कुछ भी हो रहा, बीजेपी नहीं मानेगी कि हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ठीक है ना, जवाब देगी सही तरीके से? कुमदेश जी घुमाते रहेंगे जलेबी की तरह? नहीं, इसमें भी अगर आपको ये बातें जो मैंने बताई है क्या ये उचित नहीं है या ये साक्ष्य नहीं है सामने कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति नहीं है राजस्थान सर? इंतजार, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, आप कह रहे हैं इंतजार करते हैं। तिवारी जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा फिर मैं रुक करूंगी रमाकांत जी का। हाँ तिवारी जी, काजोल जी सबसे पहले इनको प्रवक्ता किसने बना दिया है मुझे जानकारी नहीं है। जो अभी कुछ दिन पहले उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, ये आपके ही चैनल पे कर रहे हैं, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। अगर इस रिकॉर्ड को अगर बाद में सुनेंगे तो इनको भी समझ में आएगा और वसुंधरा राजे अगर देखती होंगी तो उनको भी दुख होता होगा कि मैं देश की राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करती हूँ और हमारा प्रवक्ता चैनल पे बैठ के कहता है वो प्रदेश के उपाध्यक्ष है। देखिए राजस्थान के अंदर हमने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना शुरू कर दिया और हम मध्य प्रदेश में भी वादा किए, हमारे मैनिफेस्टो में हमने बोल दिया है
महिलाओं को 1500 रुपया 100 यूनिट बिजली फ्री और 500 में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली हाफ करने जा रहे हैं और पुरानी पेंशन को बहाल करने जा रहे हैं और किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। काजल जी, हमारा एजेंडा पूरी तरीके से साफ है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं और राजस्थान में भी जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं और कर्नाटक में भी जो हमने बोला था वो करेंगे, दिखा दिया है। तो जनता पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी अभी 41 बार 10 मिनट में 41 बार कांग्रेस 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 का नाम लिया। उन्होंने दुर्गा देवी रेलवे स्टेशन का भी नाम ले लिया, तो खूब सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। भाजपा के बीच बता दे दुर्गा देवी यूनिट कहा है। ठीक ठीक है तिवारी जी, वापस लौटूंगी आपके पास। रमाकांत जी, देखिए आपने मुझे पहले ही क्लियर कर दिया और ये मुझे क्लियर भी है कि आपका जो गठबंधन है वो 2023 के लिए नहीं है, 2024 के चुनावों के लिए। अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ का आपने वो गारंटी जारी की थी, वो गारंटी मैंने देखी, आपने गुजरात में भी जारी की थी, वो गारंटी भी हमने देखी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए भी कोई गारंटी है? किस तरह चुनाव की तैयारी है आम आदमी पार्टी की, कुछ ऐसा क्या तैयारी है सर आपकी, कैसे जनता आपको क्यों पसंद करे? देखिए बीजेपी की सरकार देख चुकी है जनता, कांग्रेस की सरकार भी देख चुकी है, राजस्थान में कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में बीजेपी है। देखिए काजल जी, आपने आपने कहा कि जनता आपको क्यों पसंद करे, तो आपने तो पहले ही बतला दिया कि जनता हमको क्यों पसंद करे, क्योंकि केजरीवाल जी ने गारंटी लॉन्च की थी, हमने पंजाब में गारंटी वो गारंटी गुजरात में नहीं दिखाई दी सर, वो गारंटी हमें हिमाचल में भी नहीं दिखाई दी। मैं बतला देता हूँ, मेरे को बोलने दीजिएगा प्लीज, क्योंकि इनको ज्यादा आ रहा है तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं। ठीक है सर। तो हमने पंजाब में जो गारंटी दी थी, हमने जो दिल्ली में गारंटी दी थी, वो हम 100% पूरी कर रहे हैं। हमने दिल्ली में तो कर दिया, पंजाब में 90% हमारे वादे पूरे हो चुके हैं जो हमने केजरीवाल जी की गारंटी दी थी। आपने कहा मध्य प्रदेश में जनता क्यों पसंद करे, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अभी तक केजरीवाल जी ने 10 गारंटियां दी हैं और 10 गारंटी में बिजली निःशुल्क, आप जानते हैं जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है बिजली निःशुल्क मिलती है, बिजली के साथ साथ रोजगार की बात, हम पंजाब में अभी एक साल से सरकार में हैं, वहां पर रोजगार दिए हैं, किसानों को गारंटी कि उनकी फसलों को उचित दाम देंगे, फसल खराब होने पर सही मुआवजा दिया जाएगा, हम पंजाब में दे रहे हैं 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनके खाते में मुआवजा डाले हैं, जब अभी ओला गिरा था तब हर किसान को दिए हैं। हमने गारंटी दी कि यहां पर भी यातायात निःशुल्क करेंगे, माताओं बहनों के लिए बसों की यात्रा निःशुल्क करेंगे, हम करके दिखलाएंगे। हमने गारंटी दी कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, हम यहां पर देंगे, हम पंजाब में अपना काम कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे करके केजरीवाल जी की मध्य प्रदेश के लिए 10 गारंटियां हैं, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की गारंटी है, वो हम करके दिखलाएंगे। दूसरा आपका एक और सवाल था, मैं अभी शायद भूल गया, अगर आप चाहें तो मुझे याद करा सकते हैं। रमाकांत जी, मेरा सवाल ये है कि आप जो गारंटी दे रहे हैं, ठीक है आप बहुत अच्छी गारंटी है आपकी, जनता कहीं ना कहीं उस पर नजर भी डाल रही है, लेकिन हर जगह मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा, मुफ्त सारी चीजें। सर मुफ्त हर जगह नहीं हो सकता ना, हर जगह मुफ्त चीजें नहीं मिल सकती। बहुत 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 दिल्ली का दिल्ली में आपका ये फॉर्मूला फिट बैठा, पंजाब में भी फिट बैठ गया है, लेकिन हर जगह फिट नहीं बैठ रहा ना। इससे पहले आप टेस्ट एंड ट्रायल तो कर चुके हैं, गुजरात हो चाहे वो हिमाचल हो। मैं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीजें हैं काजल जी, आपने कहा कि ये फार्मूला हर जगह मुफ्त वाला बैठ नहीं सकता फिट। देखिए नेताओं को 5,000 यूनिट हर महीने मुफ्त बिजली मिलती है, अगर जनता को 300-400 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है, एक बात। दूसरा यह है कि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कर्जा है, ये मुफ्त देंगे तो कैसे होगा। दूसरा सवाल ये निकल के आता है, तो मैं इसके बारे में भी बतला देता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो कर्जा है, दिल्ली भी पहले कर्जे में चलती थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तमाम चीजें निःशुल्क देने के बाद हमने दिल्ली का बजट फायदे में रखा है, दिल्ली नुकसान में नहीं, दिल्ली फायदे में है। हम मध्य प्रदेश की बात करें अगर, तो मध्य प्रदेश के ऊपर लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, यहाँ की सरकार किसी को कोई मुफ्त सुविधा नहीं दे रही है, बावजूद इसके क्यों, क्योंकि यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे की लूट हो रही है, इसलिए मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो मध्य प्रदेश के लोगों को केजरीवाल जी की गारंटी मिलेगी,
डिग्री मिल रहेगी और मध्य प्रदेश का कर्जा भी मुक्त खत्म होगा। ये हमने अभी पंजाब में किया है कि 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमने अभी कम करके दिखलाया है। तो आम आदमी पार्टी को जो है सरकार चलाना आता है, मुनाफे में सरकार चलाना आता है, जनता के ऊपर हम लोग बोझ नहीं डालते हैं। हम लोग दिल्ली में करके दिखलाए, पंजाब में करके दिखलाए, हम जनता को सेवा के लिए आए हैं और जनता की सेवा करके दिखाएंगे। सेवा करने के काम में हम किसी से डरेंगे नहीं। दूसरा, अभी कांग्रेस पार्टी जी की मैं बात सुन रहा था, प्रवक्ता तिवारी जी की मैं सुन रहा था, मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पे भरोसा अब नहीं करने वाली है। उसका कारण यह है कि कुछ दिन पहले मैं कमलनाथ जी का बयान सुन रहा था, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जब यहां पर विधायकों को खरीदा जा रहा था तो मुझे 2 महीने पहले से पता था। तो 2 महीने पहले से जिसको पता है कि उसके विधायक खरीदे जा रहे हैं और वो चुपचाप देख रहा है, ये बताए कि मेरे को आकर के विधायक बोल रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए मिले हैं और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जाओ ऐश करो, पैसे मिल गए तो अब जनता पसंद नहीं करेगी कि भाई अच्छी भली चलती हुई सरकार को जिसने जो जनता ने जनादेश दिया उसको आपकी सरकार बचा नहीं पाई, उसको बेचने का खरीदने का काम यहाँ पे हुआ, जनता के जनादेश का सम्मान नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में। तो मेरे को लगता है मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस भरोसा नहीं करेगी, मध्य प्रदेश की जनता को। चलिए ठीक है। रतन तिवारी जी, अब आम आदमी पार्टी ने भविष्यवाणी कर दी है कि कांग्रेस की सरकार को जनता नहीं पसंद करने वाली मध्य प्रदेश में, आप दूसरा विकल्प ढूंढ लीजिए सर, क्योंकि आम आदमी पार्टी आने वाली है, ऐसा रमाकांत पटेल जी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी हमारे बैठे 2024 के लोकसभा के विधानसभा और स्थानीय चुनाव में हमारा इनसे कोई तालमेल नहीं है। मुंगेरी दल के 32 सपने होते हैं, आम आदमी का हर कार्यकर्ता चाहता है हम पार्षद बन जाए, विधायक बन जाए, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े राजनीतिक चाहक भी कह चुके हैं कि सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में। हमने 18 महीने वहां पे सरकार बनाई, हमारे विधायकों को खरीद फरोश किया गया, सरकार बनाई, लेकिन 18 महीने में जो हमने मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ। लेकिन ये बता दीजिए आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में कौन से विधानसभा पे एक जीतने जा रही है? मध्य प्रदेश में आप एक भी सीट नहीं जीत सकते। जिस प्रकार आप गुजरात में जाके कांग्रेस पार्टी को वोट को अपने अंदर ट्रांसफर करके भारतीय जनता पार्टी को आपने फायदा पहुंचाने का काम किया था, उसी प्रकार आप मध्य प्रदेश में आके वही काम करने जा रहे हैं। ये सब काम छोड़ दीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। पहले अपने विधायकों को आप संभालिए। आपके गुजरात में 5 विधायक भाजपा में चले गए, झूठ मत फैलाइए। चलिए ठीक है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, जनता सब जानती है। उमेश गुप्ता जी, झूठ बोलना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए, पटेल साहब झूठ बोलना बंद करिए। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, मेरा यही जवाब रहेगा कि झूठ बोलना बंद करिए। कांग्रेस पार्टी कितना झूठ बोलेगी? आप बताइए, कमलनाथ जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे विधायक खरीदे जा रहे थे, मेरे को पता है हमारे विधायकों को सौदा हो रहा है, कमलनाथ जी ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? मैं आपको वीडियो भेज दूंगा तिवारी जी। अब जनता कैसे विश्वास करे कि 2023 के लिए ये लोग अलग अलग है, 2024 के लिए करते हैं गठबंधन के सामने क्या उस पे? तो झूठ बोलना बंद करिए, मेरा निवेदन है तिवारी जी, आप झूठ बोलना बंद करिए। आप अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन झूठ बोलना आपके मुंह से तोबा नहीं देता। ठीक है, चलिए ठीक है, बस करिए आप लोग। ओहो, कौन सी विधानसभा जीती जा रही? आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है मध्य प्रदेश में, आप निश्चिंत रहे, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। अब कौन कौन सी सीटें जीतेंगे वो आप देख लीजिएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली, जनता बहुत पसंद कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी आए थे, दो जनसभाएं की थी, बड़ी रैली की थी, लाखों की संख्या में भीड़ आई थी, खुद से आई थी, खुद का पैसा खर्च करके लोग आ रहे हैं केजरीवाल जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। सुन लीजिए कुंदेश गुप्ता जी, देखिए बात मध्य प्रदेश की हो रही है और बात मध्य प्रदेश से होते होते राजस्थान तक भी जा रही है।
एक खबर मेरे सामने आई थी, खबर ये थी कि अगर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता है तो बीजेपी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब इस संशय बरकरार है क्योंकि राज्य को, वसुंधरा राजे जी की मैं बात कर रही हूँ, वसुंधरा राजे जी को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। अब देखिए, पिछले 20 साल से प्रमुख चेहरा रही है वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रही है, लेकिन फ्रंट में वो नजर नहीं आ रही है। हाईकमान की अनदेखी के पीछे का कारण क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं। जरा मुझे बताइएगा, क्योंकि भाषण नहीं हुआ था वसुंधरा राजे का तो राजनीति गर्मा गई, जो यात्राएं हो रही हैं वो भी हिस्सों में हो रही हैं, टुकड़ों में हो रही हैं, जो भाषण हो रहे हैं वो भी टुकड़ों में हो रहे हैं, अंदर खाने क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी, तो मैं आपको बता दूं कि समय रहते ही ये सारी स्थिति आपको अवगत हो जाएगी। और तिवारी जी ने एक मेरी टूटी को पकड़ा था, कहा था कि प्रदेश के उपाध्यक्ष नहीं, वो राज्य के उपाध्यक्ष हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूँ तिवारी जी, मेरे उच्चारण में ही गलती थी। वसुंधरा राजे जी, श्रीमती जी राष्ट्रीय ही उपाध्यक्ष बनी है, और इसमें आपने मेरे ज्ञान और मैं इतना तो नहीं, लेकिन आपकी समझ पर मैं आपको नमन करता हूँ कि आप उचित प्रवक्ता है कांग्रेस। चलिए, तो मैं बात कर रहा था गजेंद्र जी, जो मैं बता रहा था कि अभी मेरे दोनों मित्र आप देखे हैं कि जैसे आप बीजेपी से जो पूछ रहे हैं सवाल, आप देखें कि जहां आम आदमी पार्टी अभी घोषणा कर रही है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या फिर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी खत्म, अब तो कमलनाथ जी आने आने हैं। तो ये तो फैसला करे बैठे हैं और हम जनता के बीच में जाने के लिए बैठे हैं। हमने समय से पूर्व अपने वरिष्ठ नेताओं को जमीन पर उन कार्यकर्ताओं के और वोटरों के बीच में पहुंचा दिया है कि आप अपनी स्थिति बताइए। यही चीज अब राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में होनी है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा ज्ञानवर्धन भाई साहब का भी कर दूं। ये वही आम आदमी पार्टी है जी जो दिल्ली में जब शासित हुई थी तो हमारे मित्र तिवारी जी की पार्टी कांग्रेस का आदेश लगाकर उन्हें भ्रष्टाचारी बताकर उनके भ्रष्टाचारों को उजागर करके, सर यहाँ तो वो इकट्ठे है ही नहीं ना, विधानसभा चुनाव में तो एक साथ है ही नहीं, वो तो पहले क्लियर कर चुके हैं कि हम है ही नहीं 2023 में साथ। मैं मैडम, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ठीक है, तिवारी जी और शर्मा रमाकांत जी, इनकी दोनों जनों की पार्टी ने उसी भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ में समझौता करके सरकार चलाई, एक बात। दूसरी बात, आप देखें कि वही दिल्ली है जो 10 साल में, आप कहते ना जवाब, मैं अपना कंप्लीट कर दूं, वही 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी, लेकिन जितनी तेजी से ये राष्ट्रीय पार्टी बनी उतनी ही तेजी से भ्रष्टाचार के ये प्राचय बने। इनके आज भी तीनों मंत्री अंदर हैं, ये उनकी बात नहीं करते। कांग्रेस क्या, जब कांग्रेस को पंजाब के अंदर इन्होंने खत्म किया तो पंजाब में ये बीजेपी को खत्म करके नहीं आई है, ये कांग्रेस को खत्म करके आई है। और मैं आपको बड़े स्पष्ट बता रहा हूं काजल जी कि कांग्रेस पार्टी इसका बदला लेगी और विधानसभा में भी कहीं कांग्रेस पार्टी इस आम आदमी पार्टी को पंजाब में से खत्म करेगी, आप ये देख लीजिएगा। दूसरा, अब राजस्थान में आ जाइए कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, भाई देखो बोल तो रहे हैं कि नहीं है हमारा समझौता, लेकिन आप देख लीजिएगा कि अभी अंदर खाते बाहर खाते ये दोनों जने जो है मेल मिलाप करके ही आएंगे, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। वो भ्रष्टाचारी है तो वो भ्रष्टाचारी जननी है, मैं मामा हूं तो मैं भांजा हूं, ये सब एक साथ आने, आप देख लीजिएगा। पर मामा तो शिवराज सिंह चौहान है ना सर, मध्य प्रदेश में नहीं, वो मध्य प्रदेश में ही है। आप ये देखिए, ये तो आप दूसरे राज्य में नहीं आएंगे। ठीक है, जनता जनार्दन है, जनता इंतजार कर रही है सारी चीजों का। रतन तिवारी जी, आऊंगी रमाकांत जी वापस आपके पास। तिवारी जी देखिए, साफ कर दिया, इधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम आने वाले हैं, कमलनाथ जी नहीं आने वाले, इधर बीजेपी कह रही है कि दोनों लड़ते रहेंगे, जनता हमें चुन लेगी, लेकिन जनता क्या चाहती है ये तो जनता पर ही डिपेंड करता है। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है इस लिस्ट को लेकर, और वाकई सवाल उठता भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव है, बड़े सांसद बड़े चेहरे आपने मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है, क्यों विश्वास नहीं रहा है
अपने कार्यकर्ताओं पर या अपने सीएम पर या कुछ और वजह हो सकती है, या फिर शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार रही, जो कार्यकाल रहा, उससे जनता खुश नहीं है, इसके पीछे तो यही वजह हो सकती है। देखिए काजोल जी, आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं, जब लंबे समय तक सरकार चलती है तो सत्ता विरोधी लहर भी चलती है। तो शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ मध्य प्रदेश का वातावरण है, उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है। इसके लिए 7 लोकसभा के सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को और बड़े बड़े चेहरों को मैदान में उतारा गया है। उससे कांग्रेस पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने पिछले 9 सालों से इस देश की मुद्दों की वकालत की है। किस प्रकार आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, किस प्रकार हमने कर्नाटक जीता, हमने हिमाचल जीता। आम आदमी पार्टी तो हिमाचल गई थी लड़ने, कर्नाटक में भी गई थी लड़ने के लिए, क्या हर्ष हुआ इनका? देखिए जनता समझती है और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई लड़कर अगर सरकार बना सकता है तो वह कांग्रेस पार्टी है। आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट को काटकर 2-4 सीट जीत सकती है और कहीं ना कहीं उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। जनता समझ रही है हमारी जो वकालत है वो आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने की है। हमने काजोल जी लोकसभा के अंदर अपने किसानों के मुद्दे को उठाए, महिलाओं के मुद्दे को उठाए, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे को लेके हमने सरकार से लड़ाई लड़ी। हमारे राहुल गांधी जी तो सस्पेंड भी हो गए थे, हमारे नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी निलंबित चल रहे हैं। तमाम हमारे नेताओं को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन हमने सही मायने में वकालत की है जनता, तो जनता हमको आशीर्वाद देने जा रही है। चुनाव के बाद आप डिबेट करवा लेना, हम तो आपको बता रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है तिवारी जी, रमाकांत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप भी अपनी बात रखिए। हाँ काजल जी, मैं काफी देर से सुन रहा था। पहले तो मैं गुप्ता जी की बातों का जवाब दे दूं, बीजेपी प्रवक्ता, इन्होंने कहा कि यही आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही थी। मैं इनको क्लियर कर दूं कि जब दिल्ली में पहली बार का चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली, तो बहुमत के लिए जब आम आदमी पार्टी को 7 सीटें कम रही थी, तो यही भाजपा है जो कह रही थी कि अगर हो हिम्मत तो सरकार बनाओ कांग्रेस के साथ और जितने आरोप लगा रहे थे आप काम करके दिखलाओ। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने भी चैलेंज किया कि आप सरकार बनाओ और हो हिम्मत तो जो आप आरोप लगा रहे थे काम करके दिखलाओ। आम आदमी पार्टी को जनता ने कहा, निर्देश दिया, पूरा सुन लीजिए, जनता ने निर्देश दिया कि आप सरकार बनाइए और काम करके दिखलाइए। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के सहयोग से बने और क्या हुआ, 49 दिन में जो सरकार चली पूरी शक्तियां थी अरविंद जी के पास में, दिल्ली सरकार के भागे, सरकार चली पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भ्रष्टाचार खत्म हुआ, कैसे काम हुए, नायक फिल्म याद आ गई थी लोगों को। दूसरा, बीजेपी के प्रवक्ता जी ने आरोप लगाया कि इनके मंत्री तो जेल में है। मैं इनको बतला दूं कि अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ और अगर बीजेपी इतनी निष्पक्ष है, सुन लीजिए गुप्ता जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अगर बीजेपी इतनी निष्पक्ष है कि केवल आरोप जिस पे लगाते हैं उसको जेल पहुंचा देते हैं, तो मेरा निवेदन है कि व्यापम के घोटालेबाजों को, पोषण आहार के घोटालेबाजों को, खनन माफिया, रमाकांत जी यहाँ कुछ बातें गलत थी। ठीक है रमाकांत जी, एक मिनट वापस, एक ही कमेंट ले लो सर, समय कम है सर, समय कम है सर। चूंकि कांग्रेस तिवारी जी ने कुछ आरोप लगाए थे, मैं वो बतला दूं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। तिवारी जी ने कहा था कि हिमाचल और कर्नाटक में आम आदमी पार्टी गई थी। मैं बिल्कुल बतलाऊं, आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट दिए थे चुनाव लड़ने के लिए, केवल आम आदमी पार्टी पंजाब में मेहनत की थी, परिणाम आपके सामने है। आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है, अब राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में परिणाम आपको सामने दिख जाएंगे। तो इनका अभी थोड़ी देर पहले तिवारी जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी एक सीट में जीतेगी और इसी डिबेट में 1 घंटे के भीतर इन्होंने स्वीकार किया कि आम आदमी पार्टी की 2-4 सीटें आ जाएंगी। तो अगर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता 1 घंटे के भीतर
जीरो से चार सीटें दे रहे हैं तो दो महीने के ठीक है एक आखिरी कमेंट, आखिरी कमेंट गुप्ता जी, एक आखिरी कमेंट, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जान चुके हैं कि मोदी मैजिक से ही चुनाव जीते जा सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे तभी चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर हारती भी है बीजेपी तो जिम्मेदारी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी? बहुत जल्दी छोटा सा कमेंट सर, 10 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित है कि जो उसने पूरे देश में और मध्य प्रदेश में और जिन राज्य में भी चुनाव है वहां पर काम किया है और पूरा निष्ठा से काम किया है, उन काम के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट रूप से सामने रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी करेगी और राजस्थान के अंदर वापस आ रही है बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, कुमदेश जी, रतन तिवारी जी, रमाकांत पटेल जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिर से वही सवाल है कि बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी कर रही है लेकिन बड़े चेहरों के नाम गायब है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो और चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इनसे भरोसा उठ गया है या फिर वही मोदी मैजिक के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और साथ ही साथ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया अपना नया ऐप लॉन्च कर चुका है, तो आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में और जो भी ताज़ा तरीन खबरें हैं, अपडेट हैं, तुरंत आपको मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।